स्वामी अलोक जी गत साई ग्राम जल्लोपुर पहुँचे। जल्लोपुर पहुँचने पर स्वामी जी का पंचायत सदस्यों व ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। जहाँ बताना चाहूँगा कि आनंदम मैत्री संघ द्वारा रतिया के बडलाडा रोड स्थित जैन समाधि में 10 से 12 सितंबर तक प्रथम सत्र एवं विश्व सत्र का 3 दिवसीय मोटिवेशन एंड मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह शिविर प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्रवक्ता सुरेश मंगला ने बताया कि शिविर में साधकों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए शहर के साथ साथ गांव में भी प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। शिविर के प्रचार के लिए जगह जगह सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिनों गाँव अलिका में भी सत्संग किया गया था। रविवार सायं गांव जल्लोपुर के हनुमान मंदिर में भी सत्संग किया गया और ग्रामवासियों को 3 दिवसीय मोटिवेशन एंड मेडिटेशन शिविर में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया। स्वामी अलोक जी ने कहा कि केवल 3 दिनों में जीवन को शांति खुशी आनंद से भरें, तनाव डिप्रेशन एवं अनिद्रा जैसी बीमारियों से छुटकारा पाकर सत्य को जानने के लिए आनंदम संस्था द्वारा आयोजित उपरोक्त मोटिवेशन मेडिटेशन शिविर में अवश्य भाग लें। आइए सुनते हैं गांव जल्लोपुर में आयोजित स्वामी अलोक जी का सत्संग। गीत गा रहा, परमात्मा को पुकार रहा, बस उसके कमरे का दिया करके मारा था, बाकी पूरा घर सो गया है। उस बच्चे की मां जाती है और बच्चे को कहती है, बेटे सो जा, रात हो गई, बहुत रात। बच्चा कुछ नहीं बोलता, विरह के गीत गाता है, मां चली जाती। फिर मां आखिरी पहर 3 बजे जगती है, भोर होने से थोड़ी देर पहले वही हैरान होती है, वही नम होती है। 14 साल का उसका बच्चा, उसके कमरे का दिया अभी भी टिमटी माता है। बच्चे के घर से अभी भी गीत की आवाज आती है, अभी भी रोने की सुबह होने की, अभी भी तड़पने की आवाज आती है। बच्चा अभी भी परमात्मा को पुकार रहा है, रो रहा है, बड़ी प्यास जाती है। कहती है कि बेटे आखिरी पहर है, बस थोड़ा सा समय बच गया, बहुत कुछ सुबह तुझको काम पर जाए, तू सोचा थोड़ी देर, और तभी एक पपीहा बोलता है, पीहू 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 की रटन, और फिर दूसरी तरफ से थोड़ी दूर में दूसरा पपीहा उसका उत्तर देता है, पीहू पीहू। और बच्चा कहता है कि मां देखती है कि इस पपीहे इसका बेगम इसका प्यारा करीब है, ये इधर से आवाज देता है और उधर से इसका बेगम इसका प्यारा उत्तर देता है, लेकिन फिर भी ये पपीहा उसको पुकारना बंद नहीं। मैं भी अपने वेतन को पुकार रहा हूं, इस पपी है की रटन लगा रहा हूं मैं, और मेरे वेतन का मेरे प्यारे का तो कुछ अता है ना पता है ना ठिकाना है भी या नहीं है, तो मुझे अभी तक ये भी क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं। मेरी इस पपी है से बहस लगी है, जब तक ये पपी है अपने प्यारे को पुकारना बंद नहीं करता, मैं भी अपने प्यारे को पुकारना बंद नहीं कर सकता। चली जाती बच्चा होता रहता है, गिरफ्तार होता रहता है, यही बच्चा बाद में बड़े होकर श्री गुरु नानक देव जी के नाम से जाना चाहते, यही बच्चा। सबसे बड़ा सौभाग्य है आपके भीतर प्यास पैदा हो, और प्यास कैसे पैदा,